हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग SIP कराते हैं और किसी टाइम अगर आप SIP मिस कर देते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या आपका पेनल्टी लगेगी या आपकी SIP कैंसिल करा दी जाएगी, या आप उससे एग्जिट कर सकते हैं या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की SIP की। देखिए, म्यूचुअल फंड हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज के टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है और डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है। जिससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इन्फ्लेशन से ज्यादा हमें रिटर्न मिल पाती है, हमारी रियल रिटर्न मिलती है। तो काफी लोग हैं, हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रहा है म्यूचुअल फंड में। बट क्वेश्चन अराइजेस, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लमसम यानी इकट्ठा पैसा आप कभी भी लगा सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, वो हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं म्यूचुअल फंड में, और वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया है। इसी को बोलते हैं SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिकली हर महीने की एक फिक्स तारीख को वो अमाउंट आपके अकाउंट से कटता है म्यूचुअल फंड में, जो आपने स्कीम सेलेक्ट की उसमें इन्वेस्ट होता रहता है। अब क्वेश्चन अराइजेस की कभी कभी फाइनेंशियल क्रंच आ जाते हैं, या किसी वजह से अगर आपकी सैलरी नहीं आती, या XYZ रीजन की वजह से आपके बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट नहीं है और SIP की जब डेट आई उस दिन वो अमाउंट नहीं कट पाया, तो क्या उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी? अगर हाँ तो ये पेनल्टी कौन लगाएगा? क्या म्यूचुअल फंड हाउस लगाएगा या बैंक लगाएगी या दोनों लगाएंगे? तो आपको सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कभी भी कोई पेनल्टी नहीं लगाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है म्यूचुअल फंड की तरफ से कि अगर आपका SIP का पैसा कटा और नहीं कट पाया, यानी पैसे नहीं थे बैंक अकाउंट में, कैंसिल हो गया वो SIP, तो म्यूचुअल फंड कोई भी पेनल्टी नहीं लगाता। हाँ, अगर हम बात करते हैं बैंक्स की, तो बैंक जरूर इसमें पेनल्टी लगाती है। अब बैंक कितनी पेनल्टी लगाती है, एक्चुअली जब अपने मैंडेट देते हैं बैंक को कि ऑटोमेटिकली पैसा कटना अलाउ किया जाए, तो वो या तो ECS के थ्रू देते हैं या NACH के थ्रू, यानी आपको समझना है पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो बैंक क्या करती है, अगर आपने ECS या NACH के थ्रू आपका पेमेंट है और आपके पास पैसे नहीं थे बैंक में और SIP कैंसिल हो गई, तो बैंक चार्जेस लगाती है पेनल्टी के। अब ये चार्जेस जनरली 100 रुपए से 750 या 800 रुपए तक होते हैं और बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि कोटक महिंद्रा बैंक 500+18% GST की पेनल्टी लगाती है एक SIP के लिए। तो अगर आपकी दो SIP है तो एक SIP पे 590 और दूसरी SIP पे भी 590, यानी 1180 रुपए, 1180 रुपीज आपके पेनल्टी के डिडक्ट हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, ये तो रही बात पेनल्टी की, अब क्या हम इसको पॉज कर सकते हैं या हम इससे एग्जिट कर सकते हैं? अगर हम पे पैसे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ये कह रखा है, ये एक गाइडलाइंस बनी हुई है कि अगर आपकी मंथली SIP जाती है और वो 3 महीने तक, अगर आपकी 3 महीने तक कैंसिल होती रहती है कंटिन्यूअस, राइट, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहते, तो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है पहले। और अगर आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अगर इस तरह की SIP है, तो वो दो कंसिक्यूटिव अगर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब पैसे नहीं कटे, तो ऑटोमेटिक उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगी। अब क्वेश्चन अराइजेज, अगर सपोज कर लीजिए मुझे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि 2 महीने या 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं उसे पॉज कर दूँ, तो क्या मैं पॉज कर सकता हूँ? जी हाँ, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग स्कीम्स देते हैं। कुछ कहते हैं कि आप 1 महीने का पॉज कर सकते हैं, कुछ कहते हैं आप 2 महीने का या 3 महीने का कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि साल में एक बार या पूरे लाइफ टाइम में एक बार या दो बार। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबके अपने अलग अलग रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पॉज कर सकते हैं। तो आप जिस म्यूचुअल फंड हाउस में हैं वहाँ के कस्टमर केयर से आपको पूछना पड़ेगा कि पॉज के क्या रूल्स हैं। फिर भी क्वेश्चन अराइजेस, अगर आप पॉज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि अब मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल के केस में क्या हुआ, जितना अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट है उतना तो इन्वेस्टेड ही रहेगा और वो रेगुलरली रिटर्न मिलती रहेगी, और आगे से जब कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद वो SIPs आगे से नहीं कट हुआ करेंगी, डिडक्ट नहीं हुआ करेंगी। तो इसके लिए करीबन 15-20 दिन पहले आपको अपने SIP, ये जिसका भी म्यूचुअल फंड स्कीम का SIP है, उस म्यूचुअल फंड हाउस को ही कम्युनिकेट कर देना है थ्रू एनी मीन्स, जो भी कम्युनिकेशन के मीन्स अवेलेबल है। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि बैंक की तरफ से पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी ना लगे इसके लिए आप पॉज करवा सकते हैं या आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और कभी हो सकता है उनके साथ पॉज या कैंसिल करने के चांसेस बने तो वो ये समझ लें पहले। थैंक यू।